नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। ये रुख करते हैं खबरों की ओर। सीजीपीएससी में कथित अनियमितता पर सीबीआई के प्राथमिकी दर्ज करने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी, तो यहां के युवाओं के साथ सीजीपीएससी में जो घोटाले हुए हैं उसकी सीबीआई द्वारा जाँच होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी की 2019 और 2022 भर्ती में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने रविवार को छुट्टी के बावजूद नया रायपुर स्थित पीएससी दफ्तर की तलाशी ली और दस्तावेज जब्त किए। फिर सोमवार को एजेंसी ने तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सेनवानी को रायपुर और भिलाई और सचिव के घरों में छापेमारी की। चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो यहां के युवाओं के साथ पीएससी में जो घोटाले हुए हैं तो उसकी सीबीआई द्वारा जांच होगी और दोषीदार लोगों ऊपर कार्रवाई होगी। और आज मैं एक गौरव के साथ बताना चाहता हूँ कि सीबीआई अपनी जाँच प्रारंभ कर चुकी है और बहुत शीघ्र जो दोषीदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी।